हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो की शुरुआत हो रही है इंडियन ग्रॉसरी हॉल से। हम लोग इंडियन शॉप गए थे, एक शॉप यहाँ पे नई खुली है शेफील्ड में अग्नि फूड के नाम से, तो हम वहाँ पर गए थे, तो कुछ चीज़ें वहाँ से बाय करी हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारी चीज़ें नहीं मिली थी। तो फिर हम एक और वहीं आसपास में एक और शॉप थी फ्रेश मार्ट के नाम से, हम लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन जो बहुत सारे स्पाइसेस हैं और कुछ दालें थी जो मुझे ख़रीदनी थी वो हम उस दिन भी नहीं बाय कर पाए। बट स्टिल 3 बैग यहाँ पे भरे हुए हैं, अगर आपको दिखे तो ये देखिए इतना सारा सामान है। तो 3 बैग ऑलरेडी लाइक सामान रह गया, बट फिर भी इतना कुछ आ गया है। और आप लोगों को इंडियन ग्रॉसरी हॉल जो है वो बहुत पसंद आता है, तो वीडियो की शुरुआत इसी से करते हैं। ज़्यादा लंबी ना हुई तो लंच का जो पार्ट है वो भी मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर दूंगी। लंच अभी मुझे बनाना है, टेस्टी वाला बनाने वाली हूँ। तो चलो ज़्यादा डीले ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रोज़न आइटम्स दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं उनको फ्रीज़र में रख के आ जाऊँगी। आते ही रख दिए थे और सारी चीज़ें सैनिटाइज कर ली हैं मैंने। तो फ्रोज़न सबसे पहले तो जैक फ्रूट, कटहल, ये लेकर आए हैं हम। आई थिंक 2 पैकेट हैं, एक फ्रीज़र में ही रखा है, बस मैं एक निकाल के ले आई थी कि आप लोगों को दिखा दूँ। और मैंने कई बार बनाया है ये वाला, ब्रांड का बहुत अच्छा रहता है। और कटहल की इतनी क्रेविंग हो रही थी ना मुझे, यू वॉन्ट बिलीव। तो कल परसों में कटहल बनने वाला है, पूरा दिन सिर्फ कटहल खाने वाली हूँ मैं। तो ये एक फ्रोज़न पैकेट है कटहल का। इसके अलावा हम लेकर आए हैं ये कॉकटेल समोसा, ये हल्दीराम का है, 28 पीसेस हैं। और मैंने घर आके ना देखा भी था कि कितने बड़े हैं ये समोसे, तो अभी ना इनमें फ्रॉथ सी आ रही है क्योंकि फ्रीज़र में रखे होते हैं। तो बहुत छोटा साइज़ है, लाइक मिनी समोसे हैं। अभी टेस्ट वेस्ट का कुछ नहीं पता है, तो देखते हैं, जिस दिन भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हल्दीराम के हैं। अच्छा, आई थिंक ये 5 पाउंड का है, सबका मुझे पूरा प्राइस नहीं पता, बट इसका मुझे ध्यान है 4.99 कुछ ऐसा था। तो दो तो बस ये फ्रोज़न आइटम है। इसके अलावा नींबू मसाला, ये ऑलरेडी खुल चुका है इसका पैकेट, क्योंकि कल शाम फिर चाय पे हम लोगों ने साथ में ये ले लिया था, बट मैंने रख लिया था, मैंने कहा दिखाऊंगी कि नींबू मसाला भी ना है। और क्या मिला, फ्रूटी के हम लेकर आए 4-5 पैकेट, और रद्वी को ये बड़ी पसंद है, तो ये छोटे छोटे से पैक है, 4-5 ही लेकर आए थे, रखे हुए हैं फ्रिज में। तो ये है, अभी मैं क्या करती हूँ, पहले ये वाला फ्रीजर का जो सामान है मैं रख के आती हूँ, और फिर आके आपको बाकी का सामान दिखाती हूँ। सो जस्ट पॉजिंग। ओके जी, तो सामान मैं वो रख आई हूँ और इधर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो है ये पानी पूरी का एक पैक। मैंने इस तरह की कभी भी रेडीमेड पानी पूरी यूज़ नहीं करी है, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में भी मिलता है, बट मेरी एक फ्रेंड ने ये वाला यूज़ किया था और उसने कहा कि अच्छा है, मुझे दिखा इस वाले ब्रांड का, तो इसलिए मैं ले आई। कैसा निकलेगा वो मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो मैं ना वो नॉन फ्राइड वाली लेकर आती हूँ, जो घर आके आप फ्राई कर लो रेडीमेड उस तरह की, या फिर हम घर पे बना लेते हैं वो सूजी का आटा बना के। बट ये वाली मैं पहली बार ट्राई करूंगी। तो बड़ा सा पैकेट है और सब कुछ है इसके अंदर। आई थिंक 30 तो पानी पूरी है इसके अंदर, चना पोटैटो मिक्स भी है, कोरिएंडर मिंट का पेस्ट है, डेट्स एंड टैमरिन का पेस्ट है, और बूंदी भी है, तो पूरा फुल ऑन है ये। तो गुड फॉर पार्टी स्टार्टर, अगर आपके घर में कुछ ऐसा पार्टी होने वाली है तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। ओके, इसके बाद ये है कश्मीरी चिली पाउडर, ये तीखा नहीं होता है और सब्जी के अंदर बहुत अच्छा इसका रंग आता है। ख़त्म हो रही थी मेरे पास तो मैं ये ले आई हूँ। इस वाले ब्रांड की वैसे मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी, ये वाला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ओके, कुरकुरे, तरसते हैं हम कुरकुरे के लिए यहाँ पर। कुरकुरे एक होता है, टका टकाता था एक पहले, पता नहीं अभी आता है नहीं आता है इंडिया में। तो ये कुरकुरे का पैकेट लेकर आए हैं, मचल रहा है कल से मन के बस खोल के खा लो इसको। तो एक कुरकुरे का पैकेट है। इसके बाद एक ये छोटा माचिस का डब्बा, मंदिर के लिए मैं हमेशा माचिस यूज़ करती हूँ, बीच में जब माचिस ख़त्म हो जाती है तो फिर हो जाता है कि हाँ लाइटर यूज़ करना पड़ता है, बट मोस्टली जो है वो मैं माचिस ही यूज़ करती हूँ। तो ये वाली ले आए हैं। इसके अलावा मैगी के पैकेट लाए हैं, ये 2 मिनट्स मैगी जो होती है
पता नहीं मसाला मैगी है कौन सी है, भगवान जाने। सिंपल ही लग रही है मुझे, सिंपल वाली है, डोंट नो। यहाँ जो मॉरिसन पे मिलती है ना वो दूसरी, उसके ऊपर मैगी मसाला लिखा रहता है। अब पता नहीं ये कैसे वाली है, इसमें मसाला तो नहीं लिखा हुआ, बना के देखूंगी। तो यहाँ मॉरिसन पे 1 पाउंड के 3 पैकेट मिलते हैं, वहाँ पे 1 पाउंड के 4 मिल रहे थे, तो 4 पैकेट हम मैगी के लेकर आए हैं। इसके अलावा हरी मिर्च का ये एक बंडल था, ये 50p का था इतना सारा, तो ये मैं अभी वॉश करके ये रख दूंगी। तो इतनी सारी हरी मिर्ची, 2 हफ्ते का काम हो गया मेरा। ओके, ये फ्राइम्स होते हैं जिनको फ्राई करके आप खाते हो, चिप्स टाइप जो होते हैं, इंडिया में बहुत मिलते हैं, सब लोगों को पता ही होगा। तो मैं पहली बार ये वाले खरीद के लाई हूँ, मैं इंडिया से लेकर आती थी बल्क में खूब सारे, अब तो इंडिया गए भी, सदियाँ बीत गई हैं हमको, पता नहीं कब हमारा जाना होगा। तो ये मैं ले आई हूँ इस बार, तो अच्छे लगते हैं कलरफुल। सांभर पाउडर MTR का ऑसम, सबसे बेस्ट जो सांभर पाउडर होता है ना वो MTR का, मैंने बहुत सारे ट्राई करे हैं, लाइक MDH इज सच अ गुड ब्रांड, लेकिन जो MTR के सांभर पाउडर में टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल घर वाला आता है, जैसे मम्मी बनाती हैं फ्रेश वाला। तो ये सांभर पाउडर मैं लेकर आई हूँ, बड़ा ही पैक है ये, काफ़ी दिन चलेगा। इसके अलावा ये वाली काली दाल, माश की जो दाल होती है, उड़द की दाल छिलके वाली टूटी हुई, ये वो दाल है, हम खिचड़ी जो है वो इसी दाल की खाते हैं, तो ये दाल लेकर आए। बाकी दाल जो है वो यहाँ मॉरिसन पे मिल जाती है और वो सही रेट पे मिल जाती है, तो इंडियन शॉप से हम वही चीज़ लाते हैं जो हमें नियर बाई सुपरमार्केट में नहीं मिलती हैं, क्योंकि लाइक आटा हो गया, चावल हो गया, वो टेस्को पे अच्छा मिलता है और सही प्राइस में मिलता है, इंडियन शॉप पे वो महंगा मिलता है। ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ वाले भी सही हैं, लाइक राइस तो हम कोहिनूर ही लेकर आते हैं, तो वो टेस्को पे मिलता है, बढ़िया रहता है। नूपुर मेहंदी, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं सिर पे कौन सी मेहंदी लगाती हूँ, तो मैं ये नूपुर वाली मेहंदी लगाती हूँ, और एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है सर पे मेहंदी लगाने की, इस वाले चैनल पे भी और मेरे सेकंड चैनल पे भी, मैं लिंक डाल दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। और देखो इतना मस्त इसका कलर आता है, मैं कभी कलर नहीं लगाती हूँ अपने सर के ऊपर, मैं हमेशा हिना लगाती हूँ मेहंदी, तो नूपुर की लगाती हूँ, अच्छी रहती है। ये एक इस तरह की है कि इसमें आप कुछ भी ना डालो ना तो भी ये बहुत अच्छी रहती है आपके बालों के लिए। मैं डालती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें भी, लेकिन अगर ना भी डालो ना, प्लेन ऐसे ही घोल के भी लगा लोगे ना तो भी आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, नूपुर वाली बहुत अच्छी रहती है। एक बैग खाली हो गया। लेज ये मिले, एक पैकेट ये लेकर आ गए, तो यू नो इंडियन शॉप जाओ ना तो वो इंडिया की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, कितना खाते थे हम लोग जब दिल्ली से देवबंद में जाती थी ट्रेन में बैठ के, लेज के पैकेट लेके खा रहे हैं जी, घर जाते फिर खाना मिलता था, यहाँ से तो हम बिल्कुल ऐसे जाते थे ना दिल्ली से, बस खाना मिलेगा घर जाके, अपने आप कितना भी बना लो ना, मम्मी के हाथ के खाने का टेस्ट ही अलग होता है। ओके जी, एक लाए हैं ये बाकरवाड़ी का पैकेट, सो टेस्टी, यम होती है ये वाली, जिस जिसने नहीं खाई ट्राई ज़रूर करना, और जिसने खाई है उनको तो पता ही होगा। ओके, अमरूद अच्छे नहीं थे यार, बट यही थे कि अमरूद की खुशबू देख के ना वो रुका नहीं गया, तो सिर्फ 2 ही लेकर आए। ये भी देख लो कैसे ना गला गला सा हो रहा है, सही नहीं है ये, और हालांकि मैंने लाते ही ना ये फ्रिज में रख दिया था, बट ऐसा हो रहा है, तो बस इसको तो आज ही खा लेंगे। खुशबू अमरूद की ना, ओ माय गॉड, तरस रही थी मैं, तो 2 ही लेकर आए हैं, बाकी सब में ना किसी में छींक हो रहा था, किसी में कुछ हो रहा था, फ्रेश नहीं था कुछ भी। और अंबिया, कैरी भी बोलते हैं ना इसको, कच्ची अंबी, ये हम लोग तो हमारे ना देवबंद में हमारे घर के सामने ना एक अंकल थे, उनका प्लॉट था, तो उनके प्लॉट में ना बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, तो हम आम पकने ही नहीं देते थे, और उन मतलब अच्छी खासी बाउंड्री कराई हुई थी, वो रहते नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने ना अपनी क्यारी वगैरह बनाई हुई थी, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो हम लोग गेट पे चढ़ के कूद के चोट फोट लगवा के, और ना वो जो जब इतनी इतनी सी होती थी ना अम्बियाँ तोड़ तोड़ के, और एक बार ना इसमें ना यहाँ पे क्या बोलते हैं वो पीप, हमारे यहाँ तो लाइक हमारी लोकल लैंग्वेज में पी पी बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, एसिड होता है यहाँ पे ना आम में, तो यहाँ से ना मुंह भी जल गया था एक बार, बट चोरी करके जो फल खाने का मजा है ना बचपन में, ऑसम होता है। जामुन का पेड़ था, एक जामुन तोड़ तोड़ के लाते थे, जितनी भी शरारतें हो सकती होंगी ना बचपन में उतनी करी हैं,
और इतनी डांट खाई है, इतनी डांट खाई है, बस हद ही हो जाती थी। ऑलराइट, नेक्स्ट है ये मूंगफली वाली कुकीज़, ये लेकर आई। ये वैसे यहाँ पे ना होम बार्गेन्स पे भी मिल जाती हैं, बट वहाँ पे कुछ सस्ती थी तो ये ले आए हैं हम। इसके अलावा है ये भेलपूरी का पैकेट, रेडीमेड भेलपूरी का, और ये दो पैकेट लेकर आए हैं हम। अच्छी रहती है वाली, रखते हैं हम हमेशा इस तरह की। मैंने पहले भी, आपने मेरे ग्रोसरी हॉल में ज़रूर देखी होंगी भेलपूरी के पैकेट, ये लेकर आए हैं। और ये हल्दीराम का खट्टा मीठा है, माई फेवरेट, अदवीज फेवरेट। और ये है कश्मीरी मिक्सचर, ये भी हल्दीराम का, ये साहब का फेवरेट है। ये अच्छा रहता है, थोड़ा सा ना खट्टा मीठा सा रहता है, बड़ा टेस्टी लगता है। इसके बाद है टाटा नमक, आयोडीन युक्त टाटा नमक। तो जब इंडियन शॉप जाते हैं तो मैं ये वाला लेकर आती हूँ। आयोडीन होता है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो हम वहाँ से ले आते हैं। ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है इस बीच इंडियन शॉप जाना, तो फिर इधर से ही ले आते हैं। बट आई प्रेफर टाटा नमक। थायराइड वाले जो है ना, वो ये वाला सॉल्ट खाया करें। कुछ लोग बोलते हैं कि, मुझे बहुत बार सजेशन आता है कि आप पिंक सॉल्ट लिया करें, तो उसमें जो है वो आयोडीन ऑलमोस्ट निल होता है, बहुत कम होता है। बीइंग ए थायराइड पेशेंट यू नीड आयोडीन, तो सप्लीमेंट खाने से बेटर है जहाँ से इस तरह से मिलता हो वो खा लें। तो ऐसा नहीं कि मैं पिंक सॉल्ट यूज़ नहीं करती हूँ, आई यूज़ इट, बट ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी थायराइड पेशेंट के लिए। लाइक आई एम नॉट डॉक्टर, बट ये एक जनरल नॉलेज है जो सबको पता होती है। ओके जी, ये कश्मीरी मिक्सचर का एक और पैकेट, साहब का फेवरेट है ना, तो ये दो आ गए हैं। और जी गाजर का अचार, ये भी साहब के लिए ही है, उनको ज़्यादा पसंद है ये वाला। मुझे आम का अचार पसंद है, वो हम यहीं से ले आए थे मॉरिसन से। ऐसे तो मम्मी के अचार की याद आ रही है, पर पता नहीं। हल्दीराम का गुलाब जामुन, मैं घर पे इतने बनाती हूँ, बट ये ले आए कि अदवी के लिए, फटा वो कभी भी मांग लेती है ना, तो ना हो उस दिन बनाने का मन, ना हो स्टेमिना, तो के उसको दे देंगे, उसको पसंद है गुलाब जामुन, तो एक ये लेकर आए हैं। प्राइस मुझे ध्यान नहीं है, अच्छा निकलता है हल्दीराम का ना ये वाला टिन। ये मिश्री लेकर आई हूँ मैं, थोड़े से बड़े साइज़ की है, ये मंदिर के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो मंदिर में ना प्रसाद में मखाना मिश्री ये सारी चीज़ रखती हूँ मैं, तो वहाँ के लिए ये लिया है। अच्छा जी, सोन पापड़ी, आई लव सोन पापड़ी, तो ये एक सोन पापड़ी का छुटकू सा पैकेट। ये मोतीचूर लड्डू, ये फैमिली फेवरेट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही फेवरेट है, हम तीनों जो है ना दबा के खाते हैं, तो ये पसंद है। बट ऐसा नहीं कि हमेशा घर में रहते ही हैं, जब कभी जाते हैं इंडियन शॉप 6-7 महीने में तभी लेकर आते हैं। तो ये मोतीचूर का, वैसे मैंने ये हल्दीराम्स वाला ना अब तक ट्राई नहीं किया है, दूसरा रॉयल का या पता नहीं कौन सा जो आता है वो तो ट्राई किया, वो तो बड़े अच्छे निकलते हैं। इसके बाद जीरा, ये पैकेट लेकर आई हूँ। और ये प्लेन पापड़म, पापड़ ख़त्म हो रहे थे घर में। और ये क्या, हाँ थिन सेव, ये नायलॉन सेव जैसी होती है ना वो वाली, कई बार कुछ रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ उनमें ऊपर गार्निशिंग के लिए चाहिए होती है, तो उसके लिए ये मैं ले आई हूँ एक पैकेट। और इसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये वर्मी सैली जमी, हम लोग मीठे भी बनाते हैं, नमक के भी बनाते हैं, और रोस्टेड वाली है ये। रोस्टेड मैं पहली बार लाई हूँ, मैं हमेशा घर पे ला के खुद ही रोस्ट करती थी, बट मैं कहा चलो ये वाली एक बार ट्राई करते हैं, इन केस इमरजेंसी साहब भी बना सकते हैं, तो ये रोस्टेड वाली लेकर आई हूँ। पूरी दुकान तो यही लगती है, दो बैग ख़त्म, तीसरा बैग, इसमें सारा भारी भारी सामान है। ओके जी, इसके बिना तो हमारे इंडियन शॉपिंग कंप्लीट होती नहीं है, तो दो पैकेट जो हैं वो लाए हैं हम पार्ले जी को। पार्ले जी ना हो तो क्या हो हमारा, जो यहाँ ना मिले ना परदेश में तरस ही जाए हम तो। पापड़ का एक और पैकेट। और जी गुड़, गुड़ गुड़ गुड़, कितने 3 महीने हो गए थे गुड़ ख़त्म हो रहा था घर में, तो फाइनली गुड़ आ गया है साग के साथ, क्या मस्त लगता है। वैसे भी ना मुझे, मतलब दूध जैसे पीते हैं ना, तो फीका नहीं पिया, ठंडा फीका तो मैं पी लूँगी, पर जैसे गर्म करके पीते हैं ना और उसमें चीनी डाल के मीठा करके, मुझे, मैं चीनी वाला दूध नहीं पी सकती। या तो मैं गुड़ के साथ लूँगी दूध, या फिर मैं लूँगी शक्कर के साथ, मतलब ये जैगरी पाउडर होता है, गुड़ का पाउडर फॉर्म होता है,
तो ये अमृतसरी शक्कर अच्छी रहती है, मोस्टली हम अमृतसरी शक्कर ही लेकर आते हैं, टेस्टी। तो मेरा दूध का जो काम है वो सॉर्ट आउट हो गया, नहीं तो जो यहाँ सुपर मार्केट में ब्राउन शुगर मिलती है ना, मैं उसके साथ ले रही थी, बट जो शक्कर का टेस्ट है ना वो ब्राउन शुगर का टेस्ट नहीं है। सरसों का तेल, केटीसी का मस्टर्ड ऑयल, ये वाला कुकिंग में यूज़ करती हूँ, ऑलमोस्ट फ्राइंग में भी इसी को यूज़ करती हूँ। जहाँ पर ये होता है कुछ चीज़ों में, लाइक स्वीट्स, लाइक मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ वो मुझे फ्राई करने, तो उसके लिए फिर मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन बाकी हर कुकिंग के लिए मैं ये, सिर्फ मीठे के लिए रिफाइंड यूज़ होता है। और किसी ने मुझसे कहा था कि आप रिफाइंड यूज़ ना करें, मीठे के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। सो एक बार आप रिसर्च कर लें, आई नो कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, बट रिसर्च कर लें, जो ऑलिव ऑयल होता है वो फ्राइंग के लिए नहीं होता है। उस टेम्परेचर तक रीच करते करते सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसमें, अगर आप उसको डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करें। आप सीजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको, तड़के के लिए यू कैन यूज़ इट, लेकिन किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करने के लिए यू कांट यूज़ ऑलिव ऑयल। बाकी आप गूगल पे अगर रिसर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, फाइनल है हमारा केक रस्क, और वैसे भी दो पैकेट मेरे पास ऑलरेडी आ गए थे रीगल की तरफ से, बट ये वाला भी मुझे लगा मैं का ट्राई करते हैं, हमने कभी ट्राई नहीं किया था, तो ये एक पैकेट हम लेकर आए हैं इसका, तो ये ट्राई करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। तो जी, शॉपिंग तो हो गई है सारी की सारी डन, यही सामान था, अभी मुझे समेटना है, फिर मुझे बनाना है लंच। कैसी लगी शॉपिंग ज़रूर बता। सो वेलकम बैक टू किचन। ग्रोसरी का जितना सामान था वो मैंने लगा दिया है, और समेटते समेटते मुझे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट उसमें लग ही गई। तो अब फटाफट यहाँ पे लंच तैयार करती हैं जो समर स्पेशल है, और एक ही रेसिपी से आप 3 रेसिपीज बना सकते हैं, बहुत आसान है और सुपर डिलीशियस और सुपर क्विक भी है। तो यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे आपको 3 जुकीनी दिखाई दे रही होंगी, अच्छे खासे बिग साइज़ की हैं ये, साथ ही 2 बिग साइज़ के टमाटर हैं और 1 प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे तैयार करूँगी। जुकीनी जो है वो मैंने पील कर ली है, वैसे बिना पील करे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर सब्जी का जो लुक है वो अच्छा नहीं आता है, और कई बार मेरी बिटिया जो है फिर वो खाने से चीज़ें निकाल निकाल के अलग रख देती है, तो कभी कभी मैं छिलके के साथ बना लेती हूँ और कभी मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जुकीनी जो है इनको मैंने अच्छे से पील कर लिया है, एक बार इनको वॉश कर लिया है, और टमाटर प्याज जो है ये ऑलरेडी वॉश्ड है ही। इसके बाद जो टमेटोज हैं इनको मैं काट लूँगी यहाँ पे, और जो प्याज है वो तो मैं साथ के साथ ही कर लूँगी, बस टमाटर जो है वो पहले से बारीक से काट के रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, और प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे, सच में ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है, सेम जो है वो आप तोरी या लौकी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास जुकीनी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद जो वो एक प्याज थी उसको थिनली स्लाइस करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि आपको पेस्ट नहीं डालना है, फाइनली चॉप नहीं डालनी है, आपको इसी तरीके से लेंथ वाइज कट करके ऐड करनी है। तो जब तक प्याज कटेंगी तब तक हमारा तेल जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो प्याज यहाँ पे हो चुकी है, और इसके बाद यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, जिधर की तरफ से तेल गर्म था, साथ ही उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा हींग, और इसके बाद इन चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। जो हमारी प्याज है इसको अच्छे से, लाइक बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लेकिन हाँ इसको कैरमलाइज्ड कर लेना है हमको, ट्रांसलूसेंट सी जैसे आपको ये लगने लगे उतनी देर तक आपको इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए जो प्याज है हमारी वो अच्छे से हो चुकी है, और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कई बार कॉमेंट आता है कि हमारी सब्जी का रंग अच्छा नहीं आता है, तो वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि हम प्याज को बहुत डार्क कर देते हैं। तो प्याज होने के बाद मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं रूटीन के, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, इनको हल्का सा हम यहाँ पर सॉटे कर लेंगे। और इसके बाद हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी मोटी मोटी ही काट ली थी मैंने, और इसके बाद जो 2 टमाटर हमने फाइनली चॉप करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करके और इसको भून लेंगे, इसका अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे।
साथ ही मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक की एक क्यूब भी ऐड कर दी है और सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, ताकि टमाटर जो है हमारे वो जल्दी से गल जाएं, और थोड़ा सा पानी भी डाला है, इससे टमाटर के गलने का प्रोसेस भी फास्ट होगा, साथ ही जो हमारी फ्रोजन क्यूब है वो भी जल्दी से गल जाएगी। इसके प्लेस पे आप क्रश्ड जिंजर गार्लिक भी ले सकते हैं, पेस्ट को थोड़ा अवॉइड करना, क्रश्ड अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। 2-1 मिनट के लिए आपको इस मसाले को छोड़ना है, इसके बाद इसको स्टर करेंगे तो जो क्यूब है हमारी वो भी अच्छे से यहाँ पर हो जाएगी, बिल्कुल गल जाती है और भुनी भुनी सी हो जाती है, और साथ ही जो ऑयल है वो भी साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मेरी सब्जियों में या दाल में बहुत ज़्यादा मैं ऑयल डालती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भुनने का पता लग ही जाता है। इसके बाद जो जुकीनी थी इसके मोटे मोटे चंक्स हमको कट करने हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसके बाद हमें प्रेशर कुकर की लिड लगा के इसको प्रेशर देना है। 2 सीटी में जुकीनी बहुत आराम से हो जाती है, इवन 1 में भी हो जाती है। मैं यहाँ पर बस 1.5 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ इसको, कि जुकीनी हमारी गल जाए, और इसके बाद बस हम इसको ओपन करेंगे यहां पर और देखेंगे कि जुकीनी जो है वो कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो ये होती है जुकीनी की भुजिया। यहाँ पर हमारी एक रेसिपी जो है वो डन हो जाती है, बस थोड़ा सा और काम करना है उसके बाद डन हो जाएगी। तो एक ही रेसिपी में आप 3 वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, तो सबसे पहली रेसिपी बस अभी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर लिया है और इससे हम जुकीनी को अच्छे से मैश करेंगे। अगर आप शुरुआत में ही बारीक टुकड़े डालेंगे ना जुकीनी के, तो फिर उसको आप मैश नहीं कर पाएंगे, उसके रेशे रह जाएंगे। लेकिन अगर मोटे मोटे चंक्स आप डालते हैं तो उनको मैश करना आसान हो जाता है। जैसे कि हम कभी कद्दू की सीताफल की सब्जी बनाते हैं ना, जो चटनी टाइप बिल्कुल बनती है खट्टी मीठी कद्दू की, तो उसमें मोटे मोटे चंक्स डाले जाते हैं और बाद में उसको मैश किया जाता है। तो मोटे चंक्स डालने का यही है कि मैश करने में आसानी हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इसका आपको हलवा ही बना देना है या बिल्कुल ऐसा करना है, बट हाँ जैसे भरता होता है बिल्कुल उस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी डन होती है और इसको मेरे घर में जो है मेरे घर में बेसिकली तोरी के साथ ये वाली बनाई जाती थी, और इसको तुरई का भुरता बोला जाता था, और कभी कभी मम्मा लौकी का भी ऐसे ही बनाती थी कि लौकी का भुरता बना है। तो यहाँ पे मैंने जुकीनी के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया है, तो अपने आप में ये कंप्लीट एक है रेसिपी। लेकिन जब तक मैं थोड़ी सी खुराफात ना करूं तब तक रेसिपी में बात नहीं बनती। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है, इससे फ्लेवर भी बढ़ जाता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है, और टेस्ट की तो खैर पूछे ही ना। और ये वाली जो सब्जी होती है ना, ये पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये इस तरह से सिंपल सी सब्जी है, सात्विक है, तो सात्विक तो नहीं कहूँगी, अच्छा खासा मसाला डाला है, बट हाँ जैसे सिंपल सी फटाफट बनने वाले कि सिर्फ रोटी के साथ खाओ, ये चावल के साथ भी मस्त लगती है, और अगर पूरी पराठा बनाए ना इसके साथ तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर हम इस रेसिपी की जो सेकेंड रेसिपी बना सकते हैं वो ये कि इसके अंदर आप मटर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर ऐड करी है 1 कप। अगर आपके पास फ्रोजन नहीं है तो फ्रेश मटर को आप थोड़ा सा बॉयल कर लें या फिर स्टीम कर लें, तो उससे आसानी होती है, अदरवाइज फिर गलने में वो दिक्कत करेगी। फ्रोजन मटर जो होती है वो जल्दी गल जाती है। तो ये ऐड कर दी, तो यहाँ पर हमारी ये लौकी मटर या जुकीनी मटर या तुरई मटर की एक सब्जी तैयार होती है जो बहुत टेस्टी लगती है। तो दूसरी रेसिपी यहाँ डन हुई, और ये है तीसरी रेसिपी। जब आपके घर में कोई तोरी लौकी जुकीनी ऐसे ना खाता हो तो उसके अंदर क्या ऐड करना होता है? पनीर, अगर वो लोग पनीर खाते हैं तो। तो मेरे घर में पनीर अगर किसी भी चीज में है तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगी, अदरवाइज सब्जियां जो है ना वो ऐसे देख देख के खाई जाती है, और उसमें सिर्फ अदवी ही नहीं, अदवी के पापा भी ऐसे ही हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके साथ मुझे दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं उनको खिलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पनीर ऐड कर दिया है, और इसके बाद चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए खुला पका लें, लेकिन मैं इसको 1 मिनट का प्रेशर दूंगी ताकि पनीर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और अगर बाई चांस जो मटर है वो भी अगर कम गली है तो वो भी गल जाएंगी। तो एक ही रेसिपी से 3 रेसिपी, है ना मजेदार?
तो 3 दिन तक आप अलग अलग भी इस तरह से बना सकते हैं या मेरी तरह से भी बना सकते हैं। मुझे तो खैर फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाना था यहाँ पे। और बाकी मैं पनीर मटर और जुकीनी की जो ये सब्जी होती है ये बहुत अच्छी बनती है, मेरे घर में सुपर हिट है। और इस हिसाब से ना अदवी जो है वो मटर भी खा लेती है, अदरवाइज वो मटर चुन चुन के अलग रखती है, लेकिन इसमें वो आराम से खा लेती है। तो यहाँ पे हमारी सब्जी जो है वो तैयार है। बस फाइनली आप इसके ऊपर खूब सारा हरा धनिया ऐड कर दे एंड यस इट इज डन। और काउंट करके बताना एक रेसिपी से 3 रेसिपी मैंने वीडियो में कितनी बार बोला है। कभी कभी इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना कुछ भी इस तरह का इंटरेस्टिंग शेयर करते टाइम के, बस बार बार वही निकलता है। तो सब्जी तैयार है और बस अब यहाँ पर फटाफट जो है वो मैं फुलके भी सेक के तैयार कर लेती हूँ। तो ये है हमारी आज की समर स्पेशल बिल्कुल सिंपल सी थाली या प्लेट, जिसमें है जुकीनी मटर पनीर की सब्जी जो बहुत फ्लेवरफुल थी। इसके साथ आप ढेर सारी सैलेड भी ले सकते हैं। मेरे पास सिर्फ हरी मिर्ची थी क्योंकि इंडियन ग्रोसरी तो हम ले आए थे, जो हमारी वीकली ग्रोसरी थी वो नहीं आई थी, तो वो भी आने वाली है। और साथ में है फुलके। और बस इसके बाद अदवी भी आ गई थी फिर स्कूल से, फिर हम लोगों ने साथ खाना खाया, देन शाम तक हमारा जो है वो एक फैमिली टाइम होता है। एंड जस्ट लुक एट दिस इनोसेंट फेस। यहाँ पे अदवी जो है वो कुछ वर्ड्स लिख रही है, आई थिंक हिनोनिम्स वर्ड होते हैं ये, जो प्रोनाउंस एक तरीके से होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है। जैसे कि रोड एंड रोड, लाइक आर ओ ए डी रोड सड़क हो गई, और एक रॉड जो एक स्टिक टाइप जो होती है, या फिर सी और सी, एक सी समुंदर होता है एक सी देखना होता है। तो जिनको बोलते हम एक ही तरीके से हैं लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो वाले वर्ड्स लिख रही थी। तो इसी तरह हम लोग ना प्ले करते रहते हैं और मजा आता है। तो यहाँ पे अदवी के साथ ये चल रहा है, हम सब लोग बैठे हुए हैं और टीवी में चल रहा है फ्लोरस लावा समथिंग, कुछ ऐसे इस प्रोग्राम का नाम है। आई थिंक प्राइम पे है ये इसकी सीरीज पूरी। तो बड़ा मजा आता है, लोग इधर उधर गिरते रहते हैं, उनको एक टास्क पूरा करना होता है, सो दैट इज गुड। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इंडियन ग्रोसरी पसंद आई होगी। फाइनली फाइनली आई हैव गॉट जैक फ्रूट एंड कच्ची आम भी, तो आपके साथ दोनों रेसिपीज बहुत जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Take care and bye-bye.